ठीक है। सो आई होप सब लोग कर लिए। मेथड ऑफ मोमेंट्स का क्या आंसर आया? मेथड ऑफ मोमेंट्स में हम लोग को अल्फा और लैम्डा एस्टिमेट करना था। अल्फा का वैल्यू क्या आया? 9.6297 या फिर 65, ठीक है। एंड लैम्डा का हमारा आया अदित, ठीक है। 650 पॉइंट, एटलीस्ट 2-3 डेसिमल्स तक लिखना पड़ेगा। 6 7 5 8 7, ठीक है। क्या ये आया सबका? नहीं आया? नहीं, ये ही आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ सिली मिस्टेक किया होगा। अमन, तुम्हारा भी कुछ स्लाइट सिली मिस्टेक हो सकता है। एक्चुअली अल्फा जब निकाले हो, तो अगर तुम लोग 1 डेसिमल तक लेके करोगे, तब वो 649 और 650.70। अगर 5, जैसे देखो क्या होता है ना, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, सपोज अल्फा निकाला पहले, फिर इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में हमेशा 5 डेसिमल्स तक लिया करो। फाइनल अगर लिख रहे हो आंसर, तो 2-3 डेसिमल्स तक लिख सकते हो। बट जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होते हैं ना, अल्फा यूज करो टू कैलकुलेट लैम्डा, देन यूज अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और अल्फा 9.63, हाँ इसीलिए दिमाग गलत आया है। पूरा लेना पड़ेगा 5 डेसिमल्स तक। एमएलई का हम लोग किए ही थे, 1/2200 आया ही था हम लोग का। मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, अच्छा हमजा इज देयर इन क्लास? हाँ, मेथड ऑफ परसेंटाइल्स में इसको डाउट था। सो बेसिकली मेथड ऑफ परसेंटाइल्स में क्या होता है, सपोज हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कल के अगर हम लोग कल का जो एग्जाम्पल है वो ले, हम लोग को Q1 वॉज गिवन एज 401 एंड Q3 वॉज गिवन एज 2836.75। एंड यूजिंग दिस हम लोग को दो पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल हो सकता है सैम्पल में 100 वैल्यूज हो, तो 100 वैल्यूज को उन्होंने हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके Q1 Q3 निकाला। अब ये जो आपका Q1 Q3 आया, इसको यूज करके आपको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का अल्फा सी, और बेसिकली इट वाज अ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वेबुल सी कॉमा गामा एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट एफ एक्स, फोन साइलेंट कर लो सब लोग, इज इक्वल टू 0.25। तो ये क्या है, ये आपका Q1 है, तो यहाँ पे ये 401 डाल दो। सिमिलरली FQ3 वाला जो वैल्यू है, दिस इज 0.75। अब आपको ऐसे करके दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। देन इसको आपको सिंपली, बेसिकली क्या होता है, मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, इट इज सिमिलर टू मेथड ऑफ मोमेंट्स, बट यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल्स यूज करते हैं। मीडियन, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट्स में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, मीन, वेरियंस, e^2, e^2, हर एक्सपेक्टेशंस हम लोग यूज करते हैं ना, ex, x² का, क्यूब का, ये यूज करते हैं। अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 चीज चाहिएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे सारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मेजरमेंट्स बोलते हैं, है ना, सेंट्रल मेजरमेंट्स बोलते हैं। सिमिलरली मेथड ऑफ परसेंटाइल्स में आप हम लोग क्या यूज करते हो, मीडियन, ऑल द परसेंटाइल वैल्यूज, Q1 Q3, ठीक है, डिपेंडिंग 25th परसेंटाइल 75th परसेंटाइल, तो वो हम लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ परसेंटाइल में। इट्स द सेम ओनली, जस्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस, एक दो चीज़ जो आप लोग को माइंड में पता होना चाहिए, जो आप लोग अगर कमेंट्स आते हैं। मेथड ऑफ मोमेंट्स में क्या होता है, हम लोग पूरा डेटा यूज करते हैं। पूरा डेटा कैसे यूज करते हैं? करेक्ट, सारा जितना, सपोज सैम्पल सैम्पल में तुम्हारे पास 100 वैल्यूज है, तुम सारा 100 वैल्यूज का मीन निकाल रहे हैं ना, सारा 100 वैल्यूज का ex² निकाल रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ex², बट यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू है ये, सो दिस वैल्यू डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा, इट्स अ पार्ट, इट्स अ वैल्यू आउट ऑफ 100 वैल्यूज, इट्स जस्ट वन वैल्यू। यहाँ पे दिस थिंग रिप्रेजेंट्स द इंटायर डेटा, तो इसीलिए बहुत बार मेथड ऑफ मोमेंट्स का जो आंसर होता है वो ऑन अ करेक्ट साइड होता है, वो थोड़ा बेटर होता है रादर दैन योर परसेंटाइल्स मेथड। सिमिलरली मैक्सिमम लाइकलीहुड के लिए भी सेम चीज़ बोल सकते हैं, वहाँ पे भी सारा डेटा हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर डिफरेंस समझ में आया, मेथड ऑफ परसेंटाइल समझा? क्लियर है किसी को कोई डाउट? एनी वन? हमजा क्लियर?
तो अभी मैंने कल बोला था पहले सी के टर्म्स में लिख लो दोनों, तो सी के टर्म्स में लिखने से शायद ये आ रहा था। देखो इस केस में सी इक्वल टू माइनस एल एन वन माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 401 होल टू द पावर गामा, और यहाँ आ रहा था, और यहाँ आ रहा था सी इक्वल टू माइनस एल एन वन माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 836.75 होल टू दी पार। फिर क्या है, इन दोनों को इक्वेट कर लो तो गामा का वैल्यूज आ जाएगा। क्या आ रहा है गामा का? और सी क्या आ रहा है? वेरी गुड दिशा, वेरी गुड अमन, 2 3 2 6 आया सबका, आदित आया सबका आया, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वील मूव टू इज मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज पहले ही पूछ लेना, ठीक है? मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशंस, समथिंग सिमिलर यू हैव ऑलरेडी डन इन CS1। मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, देखो हम लोग एक क्वेश्चन से ही करेंगे स्ट्रेट अवे। एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड लैम्डा फॉलोज लैम्डा फॉलोज लग जाएगा वहां से इसी गामा अल्फा कॉमा डेल्टा। क्या हो रहा है समझो, पहले पहले इसका हम लोग बेसिक समझते हैं। देखो एक्स गिवन लैम्डा, आई एम सेइंग फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। नाउ लैम्डा इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है? लैम्डा का खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा कॉमा डेल्टा, क्लियर? गामा का लैम्डा का खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ अब अगर आपको लैम्डा नहीं मालूम तो आप ये नहीं सॉल्व कर सकते, आपको यहाँ से एक लैम्डा का वैल्यू चाहिएगा जो आप इसमें पुट इन करोगे और फिर ही आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। करेक्ट करेक्ट, क्लियर? सो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा लैम्डा। कहाँ से निकालेंगे? गामा के डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, क्लियर? अब क्या होता है, सपोज मैंने आप लोग को बोला कि लैम्डा का दो वैल्यू है 0.2 और 0.5 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ तो चलो लैम्डा का वैल्यू कैन बी एनी थिंग अबव 0 क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। टेबल बुक में देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूज कहाँ से कहाँ पॉसिबल है, 0 एंड अबव ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, तो इट कैन बी एनी थिंग। यहाँ पे सपोज ये मैंने दूसरा कंडीशन लिया जहाँ पे मैंने बोला कि लैम्डा कैन ओनली बी 0.2 एंड 0.5। तो अब मुझे मुझको जब लैम्डा का वैल्यू 2 मालूम है सो इसको यूज करके कैन आई टेक आउट, एक जगह आ जाएगा यहाँ पे 0.2 और एक जगह आ जाएगा आपका 0.5। दो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे एक्स के, ठीक है? एक्स के दो डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज मैं बोल दूँ कि लैम्डा का ये जो वैल्यूज पॉसिबल है दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब लैम्डा कैन बी 0.2 और लैम्डा कैन बी 0.5 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। सो इफ आई से दिस, इफ आई से दिस, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का चांसेस 0.5 और 0.5 है, यस और नो? यस और नो? क्लियर क्लियर। तो इन सच अ केस मेरे को, इन दिस केस मेरा मेरा क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट एफ एक्स, पी डी एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, नॉट डिपेंडिंग ऑन लैम्डा। यहां पे दिस इज अ डिपेंडेंट पीडीएफ, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा, मेरे को इंडिपेंडेंट पीडीएफ ऑफ एक्स चाहिए। तो इन सच अ केस आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, अगर आप लोग को ये निकालना है, सॉरी अगर आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है एंड आप लोग को ए गिवन बी दिया हुआ है, ए गिवन बी मतलब ये हो गया आपका डिस्क्रीट केस में ऐसे लिखते हैं अपने, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स गिवन लैम्डा, बेसिकली आपका एक्स गिवन लैम्डा को ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है? आपको एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है
प्रोवाइडेड यू नो द वैल्यू ऑफ प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज गिवन टू यू. तभी अगर लैम्डा आपको नहीं पता तो आप एक्स भी नहीं निकाल सकते, इंडिपेंडेंटली आप एक्स नहीं निकाल सकते. करेक्ट करेक्ट. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी. अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेसिकली ये क्या हो गया, सॉरी, एक्स गिवन लैम्डा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा क्या है, यहाँ समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, बात नहीं. तो यहाँ पे ये समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा क्या है. हमारे केस में दो पॉसिबिलिटीज है, अगर हम ये वाला कंसिडर करें, ये एक बार भूल जाओ, अगर हम ये कंसिडर करें तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0.2 इंटू 0.5, प्रोबेबिलिटी दैट लैम्डा इज 0.2, एक हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल 0.5 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 0.5 कब होगा, हाफ चांस है दोनों. क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट पीडीएफ कैलकुलेट करते हैं. इज दिस क्लियर? क्या नहीं, एक्सपेक्टेशन क्यों निकाल रहे हैं, पीडीएफ निकाल रहे हैं, डिफरेंट है, चीज़ डिफरेंट है ना, एक्सपेक्टेशन और पीडीएफ में डिफरेंस है. हम लोग पीडीएफ निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है. तुम यहाँ पे दो पीडीएफ्स को ही मल्टीप्लाई कर रही हो, ये डिपेंडेंट है और ये खाली उसका बी का है, तभी हम लोग को फाइनल, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स मैं निकाल रही हूँ, हो सकता है ना कि ये वैल्यू ऑफ एक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी आया हो या इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा और दोनों के प्रोबेबिलिटीज को भी कंसिडर करना पड़ेगा. क्लियर है, क्लियर है, ये चीज़ कॉपी कर लो साइड में या फिर कहीं पे एज नोट. आगे रख दो ना, ठीक है, सॉल्व करें अभी हम लोग अपना क्वेश्चन. टेबल बुक जरूरी है, प्लीज सब लोग टेबल बुक अपने पास रखा करो, डेली शेयर कर लो, अगर कोई नहीं लाया अब से सब लोग अपना टेबल बुक कैरी करेंगे. अब देखो हम लोग को एफ एक्स निकालना है. अब यहाँ पे हम लोग दोनों, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस है, तो समेशन वाला तो आता ही नहीं है. अच्छा एक चीज और, इस डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग समेशन लेंगे या हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यूज दो हो सकते हैं, 0.2 या 0.5. तो 0.2 वाला, सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस एक्सपोनेंशियल 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5. तो प्लस क्यों कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन? बिकॉज हम लोग का लैम्डा का वैल्यू डिस्क्रीट है, या तो वो 0.2 होगा या तो वो 0.5 होगा. यहाँ पे लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, लैम्डा कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो किस पे डिपेंड करते हैं? लैम्डा पे डिपेंड करेगा कि हम लोग को कौन सा समेशन लेना है या हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. इज इट क्लियर? क्लियर. चलो
अब ये मेरे को पता है कि इंटीग्रेशन क्यों करना है और कहाँ से करना है, क्योंकि गामा का डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बोलते हैं, लैम्डा का वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबली पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन लैम्डा, लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, लैम्डा का अलग अलग वैल्यूज को हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ लैम्डा। अब देखो मेरे को एक एक करके टेबल बुक से बताओ तो, जीरो, लेट्स डू वन थिंग, गेम ना मैं पूरा चीज यहाँ कर, आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यहाँ पे अगेन। क्वेश्चन वॉज एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज पोटेंशियल लैम्डा, लैम्डा फॉलोज लैम्डा फॉलोज गामा, बोलो क्या होगा ये वाला, क्या होगा ये तो एक्सपोनेंशियल का ही लेंगे, क्या बोला, हाँ हाँ सही, सॉरी सही बोला, ठीक है। अब ये तो तुम सही बोला, नेक्स्ट वाला बोलो, एक सेकेंड, पहले ना मेरे को मतलब मेरे को थोड़ा हर चीज लेट से समझ में आता है, बहुत स्टूपिड है मेरे को। एक्स गामा अगर फॉलो करते हैं तो गामा का पीडीएफ बताओ, रुक जो कोई नहीं बताएगा, दित बताएगा, टेबल बुक नहीं लाया ना, बताओ अगर एक्स गामा फॉलो करते हैं गामा का पीडीएफ बताओ। श्रद्धा तुम्हारा शर्ट का कलर और ये देखो मैच हो रहा है एकदम, हाँ एफएक्स बोलो, लैम्डा टू दी पावर, ठीक है ठीक है, सही बोल रहे क्या? तो ये है जब एफ एक्स निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, एफ लैम्डा, तो बेसिकली एक्स की जगह लैम्डा सब्सटीट्यूट होगा, अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज गामा अल्फा कॉमा, ये है हम लोग को जो निकालना है, तो अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, लैम्डा की जगह डेल्टा और एक्स की जगह लैम्डा, ठीक है। तो एकदम केयरफुली करेंगे, पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, मम्मी को कंफ्यूज मत करें ना, लैम्डा की जगह में डेल्टा होगा, ठीक है, इससे सर पे हाथ मत रखो साक्षी, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सही है, देख लो सही क्या मैंने, संस्कार सही है, चेक करो एक बार मेरा, बिना देखे बोल दिया, मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये चलो यहाँ पे इसको लिख देते हैं अपने, क्या सही लिखा है, अब देखो, अब ये जो नहीं चाहिए उसको बाहर ले लेते हैं, डेल्टा टू दी पावर अल्फा और गामा अल्फा को बाहर ले लिया एक बार, तो अंदर क्या बचा, लैम्डा, अच्छा यहाँ पे एक लैम्डा है, यहाँ पे एक लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर अल्फा हो गया खाली, माइनस वन प्लस वन, ए टू दी पावर माइनस, एक बार कॉमन ले रहे हैं, माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हो, एक्स प्लस डेल्टा, देख लो। अब देखो ये जो पीडीएफ दिख रहा है क्या ये सिमिलर टू दैट ऑफ, बोलो
सिमिलर टू गामा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक ई का टर्म है और एक लैम्डा का टर्म है, और लैम्डा इज अ वेरिएबल, याद रखना, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी सब हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। लैम्डा इज अ वेरिएबल, यहाँ पे लैम्डा एंड एक्स बोथ आर वेरिएबल्स, क्लियर। तो इसको हम लोग गामा के फॉर्म में बनाने का ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ पे गामा का पीडीएफ दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग इसको किस कैसा पीडीएफ बना सकते हैं बताओ। देखो रुक जाओ, पहले ई टू दी पावर लैम्डा है विच इज हम लोग का एक्स, लैम्डा इज आर वेरिएबल ना, तो ये जो है एक्स प्लस डेल्टा वो हमारा ये होगा। तो जो डेल्टा है वो कहाँ है, वो न्यूमरेटर में है, सो बेसिकली हम लोग को चाहिए एक्स प्लस डेल्टा न्यूमरेटर में होल टू दी पर, यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस वन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पे अल्फा प्लस वन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो है अल्फा प्लस वन है ना, ये हम लोग को चाहिए मल्टीप्लाई करना है इसे, तब जाके ये हम लोग किसका पीडीएफ बना पाएंगे, गामा, गामा व्हाट, अल्फा प्लस वन एक्स प्लस, वेरी गुड, देख लो। नहीं नहीं गामा इंटीग्रेशन नहीं करते हम लोग, बहुत मेहनत, हमेशा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो बेसिकली जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, हाँ बोलो वंशिका, करेंगे अभी सॉल्व, बोलो वंशिका। देखो ये जो है इसको हम लोग को गामा का पीडीएफ बनाना है, क्लियर। तो कैसा पीडीएफ बनेगा, यू हैव दिस ई टू द पावर लैम्डा, लैम्डा इज योर वेरिएबल ऑफ कंसर्न, तो एक्स की जगह पे सी हमारा एक्स हो गया लैम्डा, तो ये जो लैम्डा है यहाँ पे देखना मैं पेन को, वो हमारा एक्स प्लस डेल्टा है, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे ये है ना, तो हमें ये चाहिए एक्स प्लस डेल्टा होल टू दी पार अल्फा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस वन है, हमारे केस में लैम्डा टू दी पार खाली अल्फा था, तो मैंने प्लस वन माइनस वन कर दिया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस वन आ जाएगा और ये आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब ये पूरा पीडीएफ बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ये इग्नोर करना, ये खाली वर्किंग्स है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो इन्फिनिटी एक्स प्लस डेल्टा अल्फा प्लस वन, आराम से करो, गड़बड़ नहीं। नाउ दिस थिंग इज योर पीडीएफ ऑफ कॉमा, क्या था, अल्फा प्लस वन कॉमा एक्स प्लस डेल्टा, पीडीएफ ऑफ उसको इंटीग्रेट करो जीरो से इन्फिनिटी, और x का सारा वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ पॉसिबल है, जीरो से इन्फिनिटी पॉसिबल है, उसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या आता है पीडीएफ को जब अपने सारे वैल्यूज को इंटीग्रेट करते वन, इसका आंसर क्या आएगा वन, तो बचा क्या हमारे, इसीलिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सीएस वन में, डेली का डेली पढ़ोगे सब कुछ समझ आते रहेगा। काटेंगे अब, क्या बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझ में, ये वाला ना, हाँ काटेंगे काटेंगे, हाँ तो बोलो क्या करना होगा यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस वन, करेक्ट 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 करेक्ट, ये हो जाएगा खाली अल्फा
अल्फा गामा, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा न्यूमरेटर में? खाली एक अल्फा बचा, सॉरी खाली एक अल्फा बचा, क्लियर? और क्या बच रहा है? देखो इसको तो और कुछ तो मेरे को नहीं लगता है कि कट कर पाएंगे हम लोग, ये बच रहा है, बच रहा है। अब ये बताओ, देख के टेबल बुक खोलो और देख के बताओ ये किसका पीडीएफ है। पढ़ के आए ना, ये क्लास करके आए ना, क्यों बोला? इतना स्मार्ट तो तुम नहीं है। ऑल राइट, वेरी गुड। पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन, सबने ग्रुप में भी यहाँ पे भी बोल दिया है, वेरी गुड। देखो ये पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम लोग बोल दिया, पर पूरा बोलो ना। दिस इज व्हाट? पारेटो अल्फा कॉमा डेल्टा। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं एंड में, हम लोग का एफ एक्स फॉलोज परेटो अल्फा, या फिर सिंपली एक्स फॉलोज परेटो अल्फा। क्लियर? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो एक बार, इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। मैं खाली इंटरप्रिटेशन लिख रही हूँ। लिखना लिखना परेटो अल्फा कॉमा डेल्टा, परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा, ये एसी का डेल्टा, देखो लिखा है परेटो अल्फा कॉमा, अरे तुमने पीछे ले लिया क्या? ऐसे देखो, परेटो अल्फा कॉमा डेल्टा अराइजेस व्हेन, अराइजेस व्हेन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आर एवरेज्ड यूजिंग अ गामा, यूजिंग अ गामा अल्फा कॉमा डेल्टा मिक्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा कॉमा डेल्टा मिक्सिंग। क्योर क्योर? सो बेसिकली यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे एक्स फॉलोज एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल, लैम्डा फॉलोज व्हाट? गामा। बेसिकली क्या हमने लिखा है यहाँ पे, हम क्या बोल रहे हैं, एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल, कि लैम्डा क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? मीन बेसिकली 1 बाय लैम्डा इज मीन, बट ये मीन का पैरामीटर तो हुआ ना, दैट फॉलोज व्हाट? गामा। तो तुमने क्या लिखा है देखो, अराइजेज व्हेन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस इज एवरेज्ड यूजिंग गामा। परेटो इज एक्चुअली करेक्ट, नहीं। सो बेसिकली परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे हम लॉसेस जो होते हैं, लॉस अमाउंट्स जो होते हैं, क्लेम अमाउंट्स जो होते हैं, उनको हम एवरेज कर रहे हैं। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आर एवरेज्ड यूजिंग गामा, तो इट्स अ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड गामा। सो बेसिकली देखो और एक चीज देखना, पैरामीटर्स ऑफ लैम्डा क्या है? अल्फा और डेल्टा है। हमारा फाइनल आंसर में क्या आ रहा है? परेटो
अल्फा कॉमा डेल्टा आर है, पैरामीटर सेम है, तो पैरामीटर्स ऑफ गामा इज नाउ पैरामीटर्स ऑफ परेटो, पैरामीटर्स ऑफ गामा इज नाउ पैरामीटर्स ऑफ परेटो। हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इज बेस्ड, एक्स जो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आ रहा है ना, परेटो अल्फा कॉमा डेल्टा, एक्स इज बेस्ड ऑन द सेम पैरामीटर्स एज लैम्डा, एक्स इज बेस्ड ऑन द सेम पैरामीटर्स एज लैम्डा। क्लियर? ये जस्ट रिजल्ट है, ये आप लोग डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करोगे, ना ही इसको इनडायरेक्टली भी हम लोग कहीं यूज नहीं करेंगे, जस्ट एन इंटरप्रिटेशन कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन आता कहाँ से, जहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम एवरेज करते हैं यूजिंग गामा। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, पैरामीटर ऑफ मीन, 1 बाय लैम्डा इज मीन ना, तो उसको आप एवरेज कर रहे हो यूजिंग व्हाट, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो पैरामीटर्स है और इसका जो पैरामीटर है वो सेम है, तो एक्स का पैरामीटर्स आर बेस्ड ऑन दैट ऑफ लैम्डा। क्लियर? क्लियर? क्लियर टू एवरी वन? राइट? डायरेक्टली यू मे नॉट यूज दिस इंटरप्रिटेशन एनी वे, बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की परेटो आता कहाँ से। अब एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ले लो, मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एनुअल नंबर ऑफ क्लेम्स, एनुअल नंबर ऑफ क्लेम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉलिसी, फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉलिसी इन अ पोर्टफोलियो, इन अ पोर्टफोलियो हैज पॉइजन थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन नहीं होता, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप, द वेरिएबिलिटी ऑफ थीटा, द वेरिएबिलिटी ऑफ थीटा अमंग द पॉलिसी, अमंग द पॉलिसीज हैज अ गामा, हैज अ गामा अल्फा कॉमा डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन। डिराइव फुल स्टॉप, डिराइव द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन, डिराइव द मिक्सचर तो बेसिकली क्या है, एक्स गिवन थीटा फॉलोज पॉइजन थीटा और थीटा फॉलोज क्या है, गामा। ट्राई करो, खुद से करो सब लोग। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि नॉर्मल समेशन लेंगे, थीटा क्या है, हाँ तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, करो सॉल्व।
एक बार देखो यहाँ पे, सो नाउ बोलो क्या सॉल्व। एफ एक्स गिवन थीटा, इसका क्या हो जाएगा? थीटा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, और गामा का ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, डेल्टा टू द पावर अल्फा गामा अल्फा माइनस डेल्टा थीटा डी थीटा। क्लियर? ये सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर ले जाएंगे। तो हम लोग के लिए क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है? डेल्टा टू दी पार अल्फा गामा अल्फा एंड एक्स को भी ले सकते हो, एक्स फैक्टोरियल को भी बाहर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट ही माना जाएगा ना विद टर्म्स ऑफ थीटा। तो बचा क्या हमारा? जीरो टू से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो थीटा टू दी पार क्या हो गया? एक्स प्लस अल्फा माइनस वन ई टू दी पार माइनस थीटा डेल्टा प्लस वन डी थीटा। और यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। अब देखो इसको कैसे हम लोग, अब अगेन हम लोग इसको किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? गामा के फॉर्म में, गामा के फॉर्म में कर सकते हैं ये वाला चीज़। गामा के फॉर्म में करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? अगेन अंदर में क्या चाहिएगा? पैरामीटर्स क्या क्या ले रहे हो? पैरामीटर्स क्या क्या ले रहे हो? गामा एक्स प्लस अल्फा और वन प्लस डेल्टा। तो क्या क्या हो जाएगा? वन प्लस डेल्टा होल टू दी पार एक्स प्लस अल्फा गामा ऑफ एक्स प्लस अल्फा गामा ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और ये पूरा चीज तो वही हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, बहुत सिंपल ही हमने जो किया है, और बाहर में बस इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से। अब ये अगेन हमारा क्या हो गया? पीडीएफ लिखना पड़ेगा, पूरा पीडीएफ ऑफ गामा तो भी है, क्या क्या है? एक्स प्लस अल्फा कॉमा वन प्लस डेल्टा, ठीक है, तो विच इज एक्चुअली इक्वल टू वन। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होंगे देखो, अगेन अगेन क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट है। आप लोग को मिला फाइनल किसका पीडीएफ बन रहा है? चलो
तुम आंसर नहीं करेगा मेरे क्लास में, पढ़ के आया सब पहले से, दिखाना फेस दिखाना कौन बोला आंसर। स्मार्ट है तुम, देखो व्हाई डू वी इंटीग्रेट द टू नॉट टेक देयर प्रोडक्ट। क्षितिज हमने तो वी हैव डन दैट ओनली, वी हैव टेकन प्रोडक्ट एंड वी हैव इंटीग्रेटेड, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ना यहाँ पे। तो क्या हुआ, क्योंकि वो अपने प्रायर और प्रोस्टीरियर जो था उसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं निकालते थे, वो हम लोग इंडिपेंडेंट पीडीएफ नहीं निकालते थे, हम यहाँ पे हम एक्स का इंडिपेंडेंट पीडीएफ चाहिए ना हम लोग। ये वाला चीज़ हमेशा याद रखो, बेस थ्योरम में एक पढ़ा है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, याद है टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, उसमें यही करते हो। जो बेस थ्योरम में जो डिनोमिनेटर लेते हो यही तो करते हो, डिनोमिनेटर जो बेस थ्योरम में लेते हो यही तो करते हो। और तुम लोग जो उसमें पढ़ते हो सी एस वन में, वो तुम लोग न्यूमरेटर कैलकुलेट, इसीलिए देखना पोस्टीरियर और प्रायर वाला चीज में ऐसे करते थे हम, मतलब दिस थिंग और दिस थिंग इक्वल टू नहीं करते थे, प्रपोर्शनेटली इक्वल करते थे। याद आया क्षितिज, हाँ कांस्टेंट को नहीं, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रपोर्शनेटली इक्वल लेते थे ना, वहां पे न्यूमरेटर निकालते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हमें फाइनल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए या फिर पीडीएफ ऑफ क्या। क्षितिज अभी देखो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगी, यहाँ तक आई होप सबका हो चुका है ठीक है। अब देखो एक एक करके कैसे कैंसिल आउट और क्या करना है हम लोग को। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको ये फॉलो करता है। तो हम लोग को ना कुछ कुछ एलिमिनेशन रूल लगाने पड़ते हैं, टेबल बुक में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसको छोड़ के और आपके सिलेबस में कुछ आएगा नहीं ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं, एक्स को पैरामीटर क्यों ले रहे हो, एक्स का ही तो पीडीएफ निकाल रहे हैं, तो दो पैरामीटर्स है, जो जितने भी थ्री पैरामीटर्स और वन पैरामीटर्स उसको एलिमिनेट कर दो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, उसके बाद पॉइजन हो गया, ये सब कुछ जितने भी सिंगल पैरामीटर के और ट्रिपल पैरामीटर्स के उसको एलिमिनेट कर लो, तो खाली डबल पैरामीटर्स वाले बचे, जैसे लॉग नॉर्मल, नॉर्मल गामा हो गया ठीक है। और डिस्क्रीट में और क्या क्या होता है, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, टाइप वन टाइप टू, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बचे। सो दिस इज वन वे ऑफ एलिमिनेशन राइट। सेकेंड वे ऑफ एलिमिनेशन जो हम लोग को, मतलब ये सम के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, अगर कुछ ऐसा टर्म दिखता है थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा, ऐसा कुछ लगता है जहाँ पे ई टू द पावर समथिंग है, तो आप लोग गामा एक्सपोनेंशियल ये सब देख सकते हो ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ एलिमिनेशन। अब आप लोग को लोकेट करना है पैरामीटर्स की किसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप लोग को देख के समझ आया, जैसे गामा यूज हो रहा है यहाँ पे, तो गामा कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस में आप लोग को दिखता है वो चीज़ देखो। एक टेबल बुक देना मेरे को, ये वाला टेबल बुक देखो, आप लोग सबके पास आई थिंक टेबल बुक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को गामा कहाँ कहाँ दिख रहा है, अगर मैं सीधा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूँ, बाइनोमियल में कहीं दिख रहा है, बाइनोमियल में कहीं गामा नहीं दिख रहा ठीक। तो एक बार बर्नौली एनीवेज नहीं ले सकते, पॉइजन एनीवेज नहीं ले सकते, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन में गामा दिख रहा है, टाइप वन में गामा दिख रहा है, वो जो ब्रैकेट होते हैं वो तो सी वो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है सी होता है, तो गामा टाइप टू में दिख रहा है, टाइप टू में गामा दिख रहा है ठीक है, तो वो एक कंसिडर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिख रहा, स्टैंडर्ड नॉर्मल में नहीं दिख रहा, नॉर्मल में नहीं दिख रहा, एक्सपोनेंशियल एनीवेज नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, गामा में दिख रहा है, गामा में दिख रहा है, बीटा में दिख रहा है ठीक है, तो इन सब में हमें दिख रहा है। बीटा
बीटा में देखो एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, जीरो से वन, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जनरली बीटा नहीं लेते जनरली, क्योंकि जीरो से वन ही जा रहे खाली, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग को बचा कुचा बीटा को एक बार अगर हम लोग स्किप करें बीटा, क्योंकि हम लोग को वैसा नहीं दिख रहा, गामा बचा और नेगेटिव बाइनोमियल बचा। तो अगर आप लोग को इनमें से कुछ चीज़ बनाना है ट्राई करो कैसे बनेगा, ट्राई करो कैसे बनेगा। कौन सा? गामा में ई टू द पावर समथिंग है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है तो गामा नहीं हो सकता, करेक्ट। नेगेटिव बाइनोमियल टाइप टू बचा, तो चलो देखो कैसे बना सकते हो इसको, कैसे। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। वो बोल रही है फैक्टोरियल जो होता है उसको भी तो गामा की तरह लिख सकते हो, है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सी में क्या होता है, सी फंक्शन में बेसिकली एक्स सी आर लिख रहे हो, तो एक्स फैक्टर क्या होता है, ये होता है ना, तो फैक्टोरियल को भी तो हम लोग गामा के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, करेक्ट। तो ये भी इसका सही चीज है, करेक्ट। तो इसको देखो हम लोग बट कैसे फ्रेम कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको ट्राई करें चेंज करने का, तो यहाँ पे जैसे एक्स प्लस अल्फा गामा है और एक हमारे पास अल्फा गामा है, क्लियर, समवॉट लाइक दिस। तो अब अगर तुम लोग नेगेटिव बाइनोमियल टू देखोगे तो उसमें देखो क्या है, के प्लस एक्स गामा, डिनोमिनेटर में के गामा और एक्स प्लस वन गामा, सो दैट एक्स प्लस वन गामा विल बी दिस, एक्स प्लस वन हम लोग कर सकते हैं गामा, पर अगर डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये वाला चीज हो जाएगा एक्स फैक्टोरियल। एक्स फैक्टोरियल इज एक्स प्लस वन गामा, लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल और गामा का, करेक्ट। चलो तो तीन टर्म हो गए, बचा क्या हमारे पास, डेल्टा टू दी पार अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस डेल्टा टू दी पार एक्स प्लस अल्फा। तो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप टू में देखो ये वाला पोर्शन हम लोग को मिल गया, सेकेंड पोर्शन इज पी टू दी पार के एंड क्यू टू दी पार एक्स, पी एंड क्यू आर वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो यहाँ पे हम लोग को एक चाहिए टू दी पार एक्स, तो यहाँ पे क्या हम लोग इस पूरे चीज को, क्या क्या हम लोग पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय वन प्लस डेल्टा होल टू दी पार एक्स, तो ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो पी ये वाला जो एक्स है ब्रेक कर दिया ना, तो बचा क्या बाहर, और के हमारे यहाँ पे क्या है, कैसे लिख, ऐसा सम सी एस टू में नहीं, ये इनडायरेक्टली वील अप्लाई मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशंस आगे जाते सम्स, क्लियर। सो दिस इज व्हाट और पी नेगेटिव बाइनोमियल टाइप, यहाँ पे आपके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, के हमारा अल्फा है और पी क्या है हमारा डेल्टा बाय वन प्लस, ये हमारा के है देख लो, ये हमारा के है ये हमारा पी है, क्या है वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स गिवन, पर ये हमेशा एक्स गिवन थीटा इज पॉइजन थीटा, ये क्या है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स विल लाइकली बी क्लियर। इस चैप्टर में ना वी आर लेफ्ट विथ अ फ्यू टॉपिक्स, हमने कल के क्लास में नेगेटिव
नेगेटिव बाइनोमियल अल्फा कॉमा डेल्टा नहीं है, गलत होगा मन, अल्फा कॉमा दिस है, ये पूरा हमारे लिए पी, डेल्टा बाय 1 प्लस। तो कॉमन इंटीग्रल हमने सॉल्व किया था, याद है, परेटो का, एक्सपेक्टेशन डिराइव किया था, सीडीएफ डिराइव किया था, वेरिएंस नहीं डिराइव किया था, वेरिएंस करेंगे आज डिराइव, ठीक है, वेरिएंस डिराइव करेंगे, एंड दो डिस्ट्रीब्यूशन और पढ़ना है हमें, लेट्स डू जितना होता है वरना वील कंटिन्यू बाकी। आई थिंक लिया, चलो वेरिएंस निकालेंगे परेटो का, बताओ वेरिएंस क्या होता है परेटो का, वेरिएंस होता है ऑल्सो, वेरिएंस इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम लोग निकाल चुके हैं सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ नहीं निकाला है, फर्स्ट हाफ निकालोगे, चलो स्टार्ट करो निकालना। एक्स स्क्वायर क्या होता है पीडीएफ परेटो का, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर का नहीं निकाले, कोस में निकाले थे, लॉग नॉर्मल, बाहर क्या आ जाएगा, अल्फा लैम्डा आ जाएगा बाहर, कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर ले सकते हैं अंदर, एक्स प्लस लैम्डा का अगर होल स्क्वायर तुम लेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 2x लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, तीन टर्म बन जाए, क्विकली आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू डू फटिक, एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर, अच्छा एक बार में लिख लें, एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लैम्डा अल्फा प्लस 1, विच इज व्हाट, एक्स प्लस लैम्डा 1 माइनस अल्फा, बाकी टर्म्स देखूं क्या, माइनस एक्स लैम्डा बाय से ब्रेक, ठीक है फिर क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, एक्स प्लस लैम्डा का एक टर्म चाहिए, तब हम लोग कर पाएंगे सॉल्व, इसको हम लोग ऐसे लिख,
इस वाले को, न्यूमरेटर को देखना, माइनस लैम्डा, ठीक है, एक्स प्लस लैम्डा, ये एक एक्स प्लस लैम्डा का टर्म आया, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर किया ना, यहाँ पे एक माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये तो एक है पूरा, क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? कैसे ब्रेक किए? यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लैम्डा कॉमन लेके, मतलब 2 लैम्डा बाहर लेके एक्स प्लस लैम्डा लिख दिया, तो 2 लैम्डा, ब्रैकेट खोलो, 2 लैम्डा x तो है ही, एक एक्स्ट्रा 2 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर कर दिया, और ये है, फिर तो कट जाएगा, वो अलग बात है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लैम्डा अल्फा प्लस 1, ये पूरा चीज x, अब अलग अलग 3 टर्म कर लो, एक्स प्लस लैम्डा पर खाली अल्फा बच, फिर माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, आ रही जी, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर था ना यहाँ पे, मतलब मैंने दिखाया है लिख के, तुम स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? अब इसको करो फटाफट सॉल्व, लैम्डा प्लस एक्स की पार अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2, लैम्डा अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो, टेबल बुक में देखना, जहाँ पे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे वेरिएंस में, वहाँ पे वेरिएंस में देखो क्या लिखा हुआ है, या फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर में क्या लिखा हुआ है, दैट अल्फा इज ग्रेटर देन आर, है यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर ये वाला टर्म देखो, अल्फा शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन या लेस देन 2,
माइनस सही लिखा है, तो सही लिखा है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज मिस हो गया मेरा शायद, कहीं पे माइनस साइन मिस किया मैंने। हाँ हमजा बोलो। देखो देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू माइनस अल्फा है, टू माइनस अल्फा है, सो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालते हो, अनडिफाइंड हो जाएगा एक जगह पे। अगर ये वाला चीज एक बार यहाँ पे देखना, मैं जो लिख रही हूँ, ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बार। एक्स बाय इन्फिनिटी है, ध्यान से सुनना, अल्फा माइनस टू, ये वाला चीज न्यूमरेटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर अल्फा, तो एक्स की जगह पे अपने को क्या डालना है, इन्फिनिटी डालना है। अब अगर अल्फा इज लेस देन टू, तो ये नेगेटिव आएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। बट अगर ये पॉजिटिव आएगा, ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट। अगर अल्फा को तुम लोग टू से कम लेते हो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी टू दी पार पॉजिटिव वैल्यू ना। अगर इन्फिनिटी टू दी पार नेगेटिव वैल्यू रहेगा, तो हम लोग उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इन्फिनिटी टू दी पार नेगेटिव मतलब क्या, कैसे डिफाइन करेंगे उसको, नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये पॉजिटिव रखने के लिए अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है टेबल बुक, अल्फा ग्रेटर देन आर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पार आर। इसीलिए मीन में क्या था, अल्फा ग्रेटर देन था। क्लियर क्लियर हमजा, क्लियर एवरीवन, क्लियर क्या किया हमने, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब इसको पहले इन्फिनिटी अगर डालेंगे, इन्फिनिटी डालने से क्या आएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। क्या बचा, माइनस, मैं इन्फिनिटी नहीं लिख रही हूँ, क्या बचा, माइनस लैम्डा टू दी पार माइनस अल्फा प्लस टू माइनस अल्फा, प्योर माइनस, फिर इन्फिनिटी डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या बचा, माइनस टू लैम्डा पर माइनस नहीं, यहाँ पे एक लैम्डा है और यहाँ पे एक लैम्डा है, ध्यान से करने, माइनस लैम्डा स्क्वायर अभी बार जो भी कैंसिल आउट करना है उसको सब कैंसिल आउट करो। देखो एक बार यहाँ ध्यान देना, अल्फा लैम्डा टू दी पार अल्फा, लैम्डा टू दी पार माइनस 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 अल्फा को कॉमन लेके बाहर में एक लैम्डा टू दी पार अल्फा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बता दो क्या बचा, खाली अल्फा, क्या क्या बचा बंदर, माइनस लैम्डा टू दी पार स्क्वायर अल्फा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस
फिर से क्या कॉमन आ गया? कहाँ? पर नीचे दोनों माइनस है। अल्फा लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। अब बाकी तुम लोग सॉल्व एलसीएम। एलसीएम इजी है, थोड़ा केयरफुली करो बस। और सब जगह यहाँ लिख लेना, यहाँ से ऑन, यहाँ ऑनवर्ड्स देखो एक बार प्लीज, यहाँ ऑनवर्ड्स लिख लेना। अल्फा ग्रेटर देन अल्फा साइन नहीं कर टेकिंग अल्फा ग्रेटर देन। ऑल राइट, अब लेट्स कंप्लीट दिस। एलसीएम ले लो पहले पूरा। कैंसिल आउट हो जाएगा एवरीथिंग, मोस्ट अदर थिंग्स सारे कैंसिल आउट। अल्फा प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर कैंसिल यू। अच्छा हाँ, एक माइनस कॉमन था, एक माइनस था ना, प्लस होगा। ये मैंने क्या बच रहा है फाइनली? अच्छा हाँ, ये अल्फा भी कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा देयर अल्फा एंड टू। सही है ये मेरा। कहाँ? लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट, ये वाला माइनस। अच्छा हाँ वाला ना, माइनस आ गया, माइनस प्लस अल्फा ही हो। आया ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को वेरिएंस निकालना था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, वापस से निकालेंगे। लैम्डा मीन क्या होता है बिना देखे बताओ। स्क्वायर लेना करो इसको, एलसीएम ले लो दोबारा से। यहाँ पे अल्फा माइनस वन है अपने, अल्फा विच कैन बी रिटन एज वन माइनस अल्फा का स्क्वायर, मतलब दिस इज सेम एज अल्फा माइनस वन का स्क्वायर ना। हाँ बाहर माइनस ले लो, एक ही बात है, बाहर माइनस ले लो। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो वैसे करते हैं, कन्वीनियंट बाद में करते। बेसिकली लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस वन स्क्वायर, और यहाँ पे वो माइनस कॉमन ले लो, अल्फा माइनस, तो अल्फा माइनस टू और अल्फा माइनस वन इज योर एलसीएम। यहाँ हो गया टू लैम्डा स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस, क्या बचा? क्या अल्फा इज लिख दो, हेंस ठीक है। हियर दो डिस्ट्रीब्यूशंस और करने हैं हमें, उसका कुछ डेरिवेशंस नहीं। स्टडी अबाउट दीज टू न्यू डिस्ट्रीब्यूट, करेंगे अभी वही ठीक है। नेक्स्ट लिखना के बारे में आप लोग कुछ डिराइव विराइव नहीं करना है, तो टेंशन मत। यू हैव टू राइट पर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है एक्स फॉलोज, ये थ्री पैरामीटर्स है अल्फा लैम्डा गामा। इसका सीडीएफ देखो क्या दिया हुआ है, वन माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स गामा थ्री पार अल्फा। वेयर वेयर क्या दिया हुआ है, पर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन पेज 15 ऑफ टेबल बुक, वेर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली ग्रेटर देन, ठीक है। पीडीएफ भी दिया हुआ है, एक बार लिखना है इसके नीचे। दिस सीडीएफ, अच्छा ये बहुत सिमिलर टू सीडीएफ ऑफ परेटो है। सीडीएफ ऑफ परेटो क्या होता है, वन माइनस लैम्डा बाई लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा। तो क्या एडिशनल है यहाँ पे, एक्स टू द पावर गामा, यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा है। मतलब अगर हम गामा को इक्वल टू वन कर दे तो वो क्या हो जाएगा, परेटो। तो लिखना दिस सी डी एफ इज नोन एज, दिस सी डी एफ इज नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्म्ड
परेटो डिस्ट्रीब्यूशन और बर डिस्ट्रीब्यूशन, और बर डिस्ट्रीब्यूशन फुल स्टॉप. द एडिशनल पैरामीटर गामा, द एडिशनल पैरामीटर गामा एड्स एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, एड्स एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी वेन अ फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, वेन अ फिट ऑफ डेटा इज हाँ हमजा बोल बेनिफिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. हाँ हमजा गामा वेन वेन अ फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, वेन अ पर्टिकुलर फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली एकदम सेम है परेटो का, बट एक एडिशनल पैरामीटर. एक एडिशनल पैरामीटर मतलब एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, तो अगर डेटा को थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो गामा इक्वल टू वन ले लो तो परेट हो जाएगा. गामा लेस देन वन का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, गामा ग्रेटर देन वन का एक पर्टिकुलर, दैट इज बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट आ जाओ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन x follows वे लिख सकते हो, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत वे बोल n गामा. अच्छा बहुत लोग ना गामा ऐसे लिखते हैं, यानी मतलब ऐसे कुछ लिखते हैं. आई राइट गामा इन दिस वे, ये मेरा गामा है. बहुत लोग ऐसे लिखते हैं गामा, आप लोग पता नहीं कैसे सीख, बहुत लोग इनफैक्ट मेजॉरिटी पीपल राइट गामा दिस वे. आई फाइंड इट कन्फ्यूजिंग, तो मैंने शुरू से ऐसे लिखा है. जब हम टाइम सीरीज करेंगे ना उसमें गामा गामा मतलब गामा 100 बार बोलूँगी मैं ऐसे. आई राइट गामा ऐसे, कन्फ्यूज ना कभी. ये मेरा अल्फा है और ये मेरा इन्फिनिटी है, मेरा गामा है, कन्फ्यूज. अगर आप लोग जैसे गामा लिखते हो, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग गामा. I write it this way, दिक्कत नहीं है, सही है. बट आप लोग अगर ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो. ऑल राइट, सो इसका क्या है सी डी एफ? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स टू द पावर गामा. और यहाँ पे भी गामा इज ग्रेटर देन 0. In fact, x is also greater than 0. But available is on page 15. ठीक है, lambda, gamma, x all are greater than 0. तो यहाँ पे again ये क्या लग रहा है देखने में, exponential के जैसा लग रहा है. Just that यहाँ पे exponential का CDF क्या होता है, 1 minus e to the power minus lambda x. यहाँ पे क्या है, 1 minus e to the power minus lambda x to the power gamma. तो यहाँ पे एक additional again gamma है. जैसे बर डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर परेटो, वैसे वेबुल है फॉर एक्सपोनेंशियल. तो लिखो फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस लैम्डा एक्स. तो पहला पॉइंट लिखना, देन गामा इज इक्वल टू 1. Then gamma is equal to 1, Weibull distribution becomes exponential distribution. When gamma is equal to 1, Weibull becomes exponential. When gamma is greater than 1, second wala. अच्छा एक चीज यहां देख लो, एक चीज प्लीज देखो, अगर ये आपका एफ एक्स है तो 1 माइनस एफ एक्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स गामा. क्लियर? और इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एफ एक्स क्या हो जाएगा, सेम जस्ट विदाउट गामा. ठीक है,
तो अगर हम गामा को इक्वल टू 1 करें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, अगर गामा 1 है तो योर वेरिएबल बिकम्स एक्सपोनेंट। अगर ध्यान से सुनो, गामा इज ग्रेटर देन 1 जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोग बताओ क्या होगा, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी। 2 ले लो, e टू दी पर माइनस डिक्रीज होगा ना, ये वाला डिक्रीज होगा, वेबल डिक्रीज होगा, और ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिवली है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ये x लें, दिस साइड इज 1 माइनस fx, तो ये साइड रिड्यूस हो रहा है, दिस इज व्हाट, राइट टेल। सो वेबल विल हैव अ लाइटर राइट टेल, यस, दिस विल डिक्रीज। अरे मैं ऐसे आके हम लोग पढ़, तुम क्यों थक, तुम्हारे को क्यों थकान हो रहा है, तू खाली देख के लिख रहा है, कॉपी कर रहा है, दिमाग भी नहीं लगा रहे अपना। ये वाला जो है वो कम हो रहा है प्रोबेबिलिटी, क्लियर, अभी लिखो। चलो इसको रटना नहीं है, समझना है, तो अभी जब कमेंटिंग आता है ना तो ऐसे रटा मत करो, ये समझने वाला चीज है। लिखो, व्हेन गामा इज ग्रेटर देन 1 कॉमा द अपर टेल ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, द अपर टेल ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइटर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल, इज लाइटर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल। बोलो, द अपर टेल ऑफ वेबुल, द अपर टेल ऑफ वेबुल इज लाइटर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, मतलब कि अगर ये आपका एक्सपोनेंशियल है तो आपका वेबुल कुछ ऐसा बनेगा। अरे बेटर कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा कैसा है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा कैसा है। अगर तुम्हारा एक्सट्रीम इवेंट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियल लेंगे या फिर गामा लेंगे, डिपेंडिंग कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, या फिर गामा का वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। सेकेंड पार्ट, थर्ड लिख लो, व्हेन गामा इज लेस देन 1। अच्छा, अब अगर लेस देन 1 हो गया तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो भर जाएगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी भर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो लिख लो, देन इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन विथ टेल, ध्यान से सुनना, विथ टेल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, हाँ एक सेकेंड, व्हेन गामा इज लेस देन 1 देन इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन विथ टेल इंटरमीडिएट इन वेट, इंटरमीडिएट इन वेट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड परेटो, बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड परेटो, मतलब कि परेटो, मतलब कि अगर लैम्डा इज लेस देन 1, सॉरी, अगर गामा इज लेस देन 1 तो पर एक्सपोनेंशियल से ज्यादा है बट परेटो से कम है, ठीक है। तो ये अगर हम ड्राइंग बनाए इधर, तो ये हमारा हो जाएगा इन सच अ केस एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा गामा, और एक सेकेंड रुकना, हमजा, और सॉरी, हाँ सॉरी, टेबल, और उसके ऊपर हो जाएगा परेटो, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से, मेरे से उतने अच्छे से नहीं, मैट में बहुत अच्छे से बोलो, हमजा।
हाँ यू कैन डू इट एक्चुअली. ये हम ना नेक्स्ट क्लास अच्छे से करेंगे, क्योंकि एक सेकेंड रुको. कैन डॉट करके तो आराम से यू कैन. एक्चुअली वेन इट इज ग्रेटर देन वन ना, इन सच अ केस तुम्हारा वो एक्सपोनेंशियल से भी कम है, तो वो परेटो से भी कम होगा, क्योंकि परेटो इज ऑल. अब परेटो में भी डिपेंड करता है परेटो का क्या पैरामीटर्स है, नो डाउट, बट परेटो इज जनरली हैवियर देन एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में क्या है, खाली लैम्डा है. परेटो में क्या अल्फा कॉमा लैम्डा है. देखो एक्चुअली अगर हम अल्फा को वन कर देना, नहीं यहाँ पे हम टू का बात करें, तो वो एक्चुअली हमजा इज आस्किंग, जैसे हमने लेस देन वन के लिए किया परेटो को कंपेयर, कि वेबुल इज बिटवीन परेटो एंड एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे इन दिस केस वो परेटो से कम ही रहेगा. क्यों? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल से भी कम है, तो परेटो से भी कम ही रहेगा. कटेल क्लियर हमजा? अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को इसका पीडीएफ मैंने लिखवा रही हूँ. पीडीएफ आप लोग को पता है मैं सब दिया हुआ है टेबल बुक खाने हो गए. आप लोग को चैप्टर 15 रीड करना है, ठीक है, एंड चैप्टर 15 मैट का रीड करना है, जस्ट क्विक गो थ्रू करना है, इट्स वेरी सिंपल. और जो भी थोड़े आई थिंक एक खाली पोर्शन बच गया है गुडनेस ऑफ फिट का, वो गुडनेस ऑफ टेस्ट, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. और बाकी आप लोगों को कल मटेरियल पढ़ के आना है, और बीच के सारे क्वेश्चंस और बाद के क्वेश्चंस करके आने हैं, तो उसमें जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लास में कर लेंगे. और बाकी आप लोगों को पूरा रीड करके आना, अच्छा पूरे चैप्टर को रीड करोगे. क्लियर? खाली गुडनेस ऑफ फिट बचा है, विच इज़ वेरी सिंपल, विच यू हैव ऑलरेडी डन इन CS1, वैसा ही है, तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज आप लोग को पूरा चैप्टर रीड करके आना है. क्योर? और मैं नोट्स ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्गर नहीं होता. लाइटर का मतलब है कि तुम्हारे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स जो है ना, तुम्हारा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स जो है उसका प्रोबेबिलिटी इज लेस. नहीं ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो ये होगा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़. ये चीज़ हम नहीं बोल रहे, लाइटर है, मतलब कि एक्स में तुम्हारा हायर वैल्यूज ऑफ एक्स का प्रोबेबिलिटी कम है, वो होता है लॉन्गर टेल. लॉन्गर या शॉर्टर टेल का बात नहीं हो रहा है, हैवीनेस का बात हो रहा है. ऑफ एक्स इज पॉसिबल, देखो ये होता है तुम्हारा केक हुआ और एक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बना ऐसे ऐसे थोड़ी होता है. तो यहां पे तुम्हारा लॉन्गर टेल का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स इज पॉसिबल. आ रहे बस एक मिनट रुको, ठीक है. और ये इसका मतलब है कि हायर वैल्यूज ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल. और प्रोबेबिलिटी होता है कि एक्स वैल्यूज जो यहाँ पे पॉसिबल है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है. हैवियर लाइटर लॉन्गर अलग होता है, ठीक है. चलो ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे. कल पूरा पढ़ के आओगे सब लोग चैप्टर, अब पढ़ने का हैबिट डालो, कल डिस्कस करेंगे. ऑल राइट चलो बाय बाय. क्या हाँ दे रहे